हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लेसन हिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड लेसन है, क्लास सिक्स का है, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हमने इससे पहले लेसन में रीड किया था कि किस तरह से हमारी जो हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री है, अर्लियर मैन की हिस्ट्री जो है, प्री हिस्ट्री को हमने किस तरह से थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पैलियोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड, न्योलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड लगभग 3 मिलियन ईयर्स से लेके 15,000 के बीच वाला समय, 15,000 से लेके 10,000 के बीच वाले समय को मेसोलिथिक, 10 से लेके 6,000 वाले समय को बोलते हैं हम न्यूलिथिक। इस लेसन में हम स्पेशली जो थर्ड स्टेज है प्री हिस्ट्री की, न्यूलिथिक एज, उसके बारे में, उस समय के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से उस समय का जो एनवायरनमेंट था उसमें चेंजेस आने शुरू हो गए। चेंजेस इस तरह के, पूरा वेदर में चेंजेस आने शुरू हो गए, धीरे धीरे वेजिटेशन एनिमल्स ज्यादा बढ़ने लग गए, और किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग हमेशा एक हंटर गैदरर था, कैसे वो उसने गैदरिंग से एक फूड ग्रोअर बन गया, किस तरह से उसने खुद के जो प्लांट्स हैं, फसलें खुद की उगानी शुरू कर दी, अपने खुद के एनिमल्स को रेयरिंग करना शुरू कर दिया, एक हर्डरर बनना शुरू हो गया, एक हंटर गैदरर से वो एक फूड ग्रोअर बन गया और एक हर्ड और एक हर्डर बन गया। उस चीज के बारे में हम इस लेसन में जानेंगे। द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोड्यूस, किस तरह से सबसे पहले जो फूड की प्रोडक्शन, देखिए जो भी फूड की प्रोडक्शन, प्लांट्स किस तरह से एक बीज से प्लांट बना, ये कोई स्पेशल इन्वेंशन नहीं है। शायद कोई अचानक ही उस समय किसी ने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि किसी जगह पे कोई बीज गिरा और अगले ही दिन या दूसरे तीसरे दिन के बाद उसका एक प्लांट बन गया, और बाद में वही प्लांट बड़ा होके उसके साथ जो भी है अलग अलग जो ग्रेन्स हैं या फ्रूट्स हैं वो लगे। उसने ऑब्जर्व किया कि कैसे बीज से प्लांट बनता है, तो इन्होंने धीरे धीरे उन्हीं बीजों को बेच के जैसे खेती की शुरुआत हुई, फूड ग्रोइंग की शुरुआत हुई। आज से ये जो समय था करीब 8,000 साल पहले, ये जो क्रॉपिंग है, खेती की फसलें जो है, इसमें प्रीवियस लेसन में भी हमने देखा है कैसे सोलेमान एंड किर्थर हिल्स वाला जो एरिया था, मेहरगढ़ स्पेशल, ये वाला जो एरिया था आज के समय पाकिस्तान में जो पड़ता है, आज से 8,000 साल पहले वहां पे फर्स्ट क्रॉप्स उगाई गई, फर्स्ट सबसे पहली जो फसलें थी वहां पे उगाई गई। कौन सी सबसे पहली फसलें थी? वीट एंड बार्ले, कनक एंड जौ जो थी वो सबसे पहली फसल थी। स्पेशली ये टाइम कौन सा था? नियोलिथिक एज या न्यू स्टोन एज, इस तरह से इंसान जंगलों में रहता था और उसने फर्स्ट फसलें उगानी शुरू की। मैन एज अ हंटर्स, उस समय देखिए इंसान सबसे पहले सिर्फ एक हंटर गैदरर था, हंटिंग ही करता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था। जब उसने अपनी फसलें उगानी शुरू कर दी खुद की, जैसे कि इस पिक्चर में आप सब लोग देख पा रहे हो, फसलें उगानी शुरू कर दी, तो बहुत सारे एनिमल्स अपने आप ही इन लोगों के पास आके रहना शुरू हो गए। जैसे कि कुछ एनिमल्स जिनको हमेशा, जैसे कि शीप है, गोट है, काओ है, या और धीरे धीरे बहुत सारे एनिमल्स इंसान के आसपास रहने शुरू हो गए, और उनको उनको जैसे जंगली जानवर जो है, जो शिकारी जानवर है, उनसे भी इन जानवरों का बचाव होता था, इसीलिए जो ह्यूमंस की सेटलमेंट्स होती थी उसके आसपास कुछ जानवर आके रहने शुरू हो गए। और धीरे धीरे ये जो इंसान था उस समय जिसने फसलें उगानी शुरू की, उन्होंने इन्हीं एनिमल्स को अलग अलग कामों के लिए यूज करना शुरू कर दिया। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स, शीप, गोट, काउ, इनको दूध के लिए या इनको स्किन के लिए या इनको सामान एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाने के लिए इन एनिमल्स को उसने यूज करना शुरू कर दिया। इस तरह से सबसे पहले उसने फसलें उगानी शुरू की इंसान ने, और फसलें उगाने के बाद उसने एक फूड ग्रोअर के साथ साथ वो एक हर्डर्स बन गया, हर्डर्स जो कि एनिमल्स को रखने वाला इंसान वो बन गया। सबसे फर्स्ट एनिमल जो उसने डोमेस्टिकेट किया वो था डॉग। सबसे पहले डॉग जो था वो इंसान का पालतू जानवर बना। उसके बाद और बहुत सारे एनिमल्स उसने रखने शुरू कर दिए, हॉर्स, पिग, गोट, डॉगी, शीप एक्सेट्रा, बहुत सारे एनिमल्स जो थे उसने पालने शुरू कर दिए। फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, जैसे कि कुछ जगहें हैं जहाँ पे हमने रेल किया कि मेहरगढ़ स्पेशल, मेहरगढ़ प्रेजेंट डे पाकिस्तान, वो एक फर्स्ट जगह थी जहाँ पे इंसान ने सबसे पहले कुछ जो भी थे प्लांट्स थे खेती की, जहाँ पे शुरुआत हुई, बीच एंड वारले यहाँ पे फर्स्ट टाइम उगाई गई।
अब इंसान खेती करने लग गया तो उसके पास अपने एनिमल्स भी होने लग गए, तो धीरे धीरे उसने अपने घास फूस के जो भी थे खुद के मकान बना के एक जगह पे, जो हमेशा घूमता रहता था अब वो एक ही जगह पे रहना शुरू हो गया। एक ही जगह पे क्यों? बिकॉज जो उन्होंने प्लांट्स से जो भी फसलें उगाई होती थी उनकी टेक केयर के लिए, केयर टेकिंग के लिए, पानी देने के लिए, उनकी देखरेख के लिए उनको वहीं रुकना पड़ता था काफी लंबे समय के लिए। इस तरह से धीरे धीरे जो था मनुष्य वहां पे उनकी जो सेटलमेंट्स है एक विलेज के रूप में तो आना शुरू हो गया, कितने सारे घर बनाने, घरों में रहना उसने शुरू कर दिया। फाइंडिंग्स ऑफ टूल्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको उस समय के बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, स्पेशली न्यूलिथिक पीरियड जो है, न्यू स्टोन एज जो है, यहाँ पे जो पुराने पैलियोलिथिक एज के मुकाबले में जो टूल्स हैं काफी ज्यादा शार्प, काफी ज्यादा पॉलिश्ड होते थे, तीखे होते थे, और अब तो और भी अच्छी क्वालिटी के साथ इनको बनाया गया था, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाले यहाँ पे ज्यादा चेंज हमें दिखता था इस समय के टूल्स में। ह्यूमन एज इन्वेंटर्स ऑफ वील, समय के साथ साथ जैसे कि उसके पास अभी उसके अच्छे उसके पास टूल्स हो गए थे, तो उसने पेड़ों को काट के एक व्हील की इन्वेंशन की, एक व्हील बना ली, जैसे कि इस पिक्चर में पेड़ को इस तरह से एक व्हील की तरह बनाया। व्हील की खोज के साथ ही उसने ऐसे दो इस तरह से व्हील को जोड़ के किधर व्हील लगाने के बाद बड़े बड़े जो उनके भारी सामान था उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना उसके लिए बहुत ईजी हो गया। इस चीज़ ने उसकी लाइफ को बिल्कुल बदल दिया, ट्रैवलिंग चीजों को साथ लेके जाना उसके लिए बहुत ईजी हो गया आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील। उसके साथ ही एक पॉटर्स व्हील और व्हील जो था जिसमें वो अलग अलग मिट्टी के बर्तन बना सकता था, पॉटर्स व्हील के द्वारा अपनी उसको डिफरेंट शेप दे सकता था, अब उसकी बहुत ज़्यादा उसकी इन्वेंशन से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अब देखिए जो इस पुराने समय का इंसान था उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता था, लेकिन आज के समय वाला इंसान अपना जो न्यूलिथिक एज थी, न्यूलिथिक एज न्यू स्टोन एज थी, उसमें इंसान हमने देखा कि खेती करने लग गया, खुद उसके पास अब अनाज काफ़ी ज़्यादा होने लग गया, एनिमल्स होते थे तो एनिमल प्रोडक्ट मिल्क प्रोडक्ट उसके पास होने शुरू हो गए। अब उसके पास फूड की कमी नहीं होती थी, तो फूड ज़्यादा होने की वजह से वो फूड को स्टोर कहाँ करे, उसको स्टोर करने के लिए धीरे धीरे उसने बहुत सारे अपने पॉट्स बनाने शुरू कर दिए, पॉट्स के साथ उसकी लाइफ बहुत ही ईजी हो गई, तो उसके लिए सभी अपना सामान जो है स्टोर करना भी बहुत ईजी हो गया। और उसके बाद है हाउ डू वी नो अबाउट फार्मर्स एंड हर्डर्स, स्पेशली उनके टूल्स, उनकी पॉटरी, उनके जो रिमेन्स हैं, उन चीज़ों से हमें पता चलता है कि पुराने समय में फार्मर्स और हर्डर्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होते थे, स्पेशली मेहरगढ़, बुर्जहोम एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स जो हैं भारत के, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगहें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं जहाँ पे अर्ली ह्यूमन बींग्स न्यूलिथिक जो एज थी उस समय के अवशेष हमें मिलते हैं। स्पेशली न्यूलिथिक एज के बाद वाला जो समय था अराउंड 6000 ईयर्स एगो, 6000 साल पहले वाला समय, लगभग जो इंडस सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के आसपास वाला समय, 6000 साल पहले वाला समय, उस समय फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे जो तांबा जिसको कह देते हैं, तांबा जो है कॉपर जो एज है, कॉपर की खोज हुई, नई नई चीजें अब पत्थर के या वुडन के हथियारों की यूज की बजाय यहाँ पे कॉपर को यूज किया जाने लगा। इस समय को हम कॉपर एज या चालकोलिथिक एज या ताम्र पाषाण युग भी हम कहते हैं। इस समय जो अलग अलग टूल्स, अलग अलग जो हथियार होते थे वो एक तरह से कॉपर के बनने शुरू हो गए। ठीक है, कॉपर का यूज 6000 ईयर्स एगो फर्स्ट टाइम यहाँ पे होना शुरू हो गया, तो इस समय को हम चालकोलिथिक एज कहते हैं। दीज टूल्स वर बेटर टूल्स एज कम्पेयर टू द लास्ट टूल्स, दोज वर मेड ऑफ स्टोन, उनसे काफी अच्छी क्वालिटी के होते। नॉर्थ वेस्टर्न मेहरगढ़ की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये है हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान वाला इलाका है, यहाँ पे अगर हम ये इलाके की बात करें, ये वाला, ये देखिए पाकिस्तान का भी वेस्टर्न पार्ट मेहरगढ़, यहाँ पे फर्स्ट डोमेस्टिकेशन, फर्स्ट क्रॉप्स उगानी शुरू हो गई, यहाँ पे जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी डेवलप हुई, यहाँ पे फेमस रहा है ये इलाका
मेहरगढ़, यहीं पे फर्स्ट व्हीट एंड बार्ले की फसलें उगाई गई, यहाँ पे ही फर्स्ट जो एनिमल्स हैं उनको भी डोमेस्टिकेट किया गया, जैसे शीप हैं, गॉट हैं, इनके रिमेन्स हमें मिलते हैं इस जगह से। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी बहुत सारे जो हैं न्यूलिथिक एज के प्रूफ्स हमें मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो लेसन है हमें बताता है न्यूलिथिक एज के बारे में, जहाँ पे किस तरह से जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था हंटर गैदरर से फूड ग्रोअर बना। फर्स्ट उसने धीरे धीरे प्लांट्स को उगाना सीखा, फसलें उगानी शुरू की, वीट एंड बार्ले उसकी फर्स्ट क्रॉप थी। उसके बाद धीरे धीरे एनिमल्स को साथ रखना शुरू कर दिया, फर्स्ट डॉग को उसने डोमेस्टिकेट किया, फर्स्ट उसका पालतू जानवर डॉग था, धीरे धीरे उसने शीप, गॉट, काओ या और एनिमल्स, हॉर्स, पिग, इन सबको अपने पास रखना शुरू कर दिया। इनको रखता था वो मिल्क के लिए, स्किन के लिए और सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने। लाइफ उसकी बहुत इजी हो गई, और भी ज्यादा लाइफ इजी हुई विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील, और भी लाइफ ज्यादा इजी हुई विद द इन्वेंशन ऑफ पॉटर्स व्हील। लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस होने, अब एक जगह पर सेटल्ड होके रहना शुरू हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उसके जो इसके साथ ही वो एक विलेजेस में, अर्ली विलेजेस में या टाउन्स में वो रहना शुरू कर दिया, किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी उनकी पूरी हर जगह पे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है, और इस वीडियो को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा इस लेसन को समझना। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना ही, बाय बाय।